बिल्कुल गलत है। अस्सलाम सलाम वालेकुम, खैरियत? वालेकुम सलाम मेरी बहनें, कैसी हैं आप? ठीक है? जी, कैसर ये कैसे सब हैं? आप कैसे हैं? कैसे हैं सर आप? मैं अलहमदुल्ला बिल्कुल ठीक हूँ, और आप तमाम लोगों बहुत से ये बहुत माजरत मिन्नतों चाहता के हूँ। बहुत मिन्नतों के बाद बहुत मिन्नतों के बाद एक फ्रेम में देखने को मिल रहे हैं चांदन भाई। थैंक यू सो मच जी थैंक यू सो मच मेरी आपने बहन, जो, थैंक यू सो मच और मैं तमाम जितने भी देखने वाले हैं उनसे मैं ये माजरत चाहता हूँ कि जी मैं भाई। आप तमाम लोगों को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि कुछ प्रोफेशनल मेरी मसरूफियात हैं। तो इस वजह से दिल तो मेरा बड़ा चाहता है, और कोशिश करता हूँ आपको मैं देख सकूँ, और आप तमाम लोगों के सामने तो बड़ी मुश्किल से आना होता है इसी वजह से। कैसा ली मेरे साहब, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, और मेरी बहन आप ठीक होंगी सरिता, एंड बिल्कुल, दुआएं मेरा हैं मित्र है भाई, आप भी उनकी ठीक होंगे, दुआएं हैं। अयाज साहब आप कैसे ठीक हैं? बिल्कुल वकील साहब भी फरार मैं गए कह रहा हूँ हैं। सर, मैं कह रहा हूँ ये तो कैश भाई को क्रेडिट जाता है कि आज रोशन भाई को भी ढूंढ के ले आए, पता नहीं कहाँ थे। जी बहुत अच्छा कैश हुआ भाई सर, हमारे आप भाई नहीं बड़े। जी इस्लाम के लिए टाइम निकालना पड़ेगा ना सर, आप आए, बहुत अच्छा लगा हमको। कोई हम यहाँ पे कोई पैसे की बात नहीं कर रहे, हमारी जात की बात नहीं कर रहे, हमको शोहरत दो दौलत दो ये सारे मसले नहीं है। हमारे इस्लाम को निगेटिव पेश किया जा रहा है, इस्लाम के बारे में गलत छवि दुनिया में इन्हें रोशन करे। इन्हें तो कट मुल्ले को छोड़ के निप्पल कने आ गई ना भाई। अब ऐसे अल्फाज बोलना पड़ता, अब ये उम्र में तो हम बोल सकते हैं, उन्हें हमारे से कम उम्र की हो के उन्हें ये अल्फाज बोलिए तो हम तो 60 साल के हो गए सर, हम बराबर बोलते हैं। अब ये बात, कठ मुल्लों को छोड़ के तू निप्पल कने आ गई, जिंदगी खामोशी से गुजार लेना। हमारे इस्लाम में घुस के तू हमारे को बहना ऐसे भाई वैसे वो ऐसा ये वैसा, कई को हमारा रोना रो रही, गलत है ना सर ये? जी तो आपको भी टाइम जी निकालना है, हमको भी निकालना है, सरिता को भी निकालना है। जो जो इंसानियत का साथ देने वाले हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इस्लाम को जो भी करीब से जानते हैं, मेरे सनातन धर्म के भाई बहन सब आवाज उठाने वाले हैं ये मसले के ऊपर। तुम कर लिए, तुम आ गए, सुकून से रह जाओ, तो हमारे क्या करने का है भाई? पहले बिल्कुल बिल्कुल तो उसी तरह, चट्टी अवैध रास्ते से आई, उसको तो हम गलत नजर से देखेंगे, ये चोर है, इन्हें आ गई और लोगों को रास्ते बताई बन के, ये हमारे दिल को तकलीफ है। उसके बावजूद भी 2 साल से रख के खाना है, कपड़ा है, रहने का है, इंडिया में सब अच्छा है, मगर इंडिया के मुसलमानों के साथ में ये बुरे अल्फाज कैसे हैं इसके? कैसे है सरिता, ये दिल को तकलीफ नहीं होती क्या? बोलो जी मैम, मैं बिल्कुल ये नहीं ये दिल को समझती हूँ तकलीफ कि का वो है। बिल्कुल पर्सनली किसी को अटैक कर रही है। वो पूरे दुनिया में जितने हमारे मुस्लिम कम्युनिटी, हमारे बहन भाई हैं, वो सबको 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 टारगेट कर रही है, सबको टारगेट कर रही है। सबको और जबकि अभी जिस जिस हिसाब से मैं देख रही हूँ, या हमारे और बहन भाई देख रहे हैं, हमारे हिंदुस्तानी देख रहे हैं, वो अभी सनातनी नहीं है। उस बेगैरत औरत को ये पता नहीं है कि अभी भी वो मुस्लिम है। मैं आपको उसके साथ में दावे के साथ में बता सकती हूँ, इतनी बेशरम और बिल्कुल बेगैरत औरत है कि जिसको जहां का खा रही है वहीं उसी थाली में छेद कर रही है। आप ये बताइए कि एक बंदा आजकल धर्मेंद्र धर्मेंद्र नाम करके, जी सॉरी भाई मैं आपका नाम ले रही हूँ, लेकिन मेरे को उदाहरण देना पड़ेगा और आपका नाम बताना पड़ेगा। मतलब हर कोई जी बंदा उस पर इस तरह से वो हो रहा है, न्योछावर हो रहा है, अपना घर बार छोड़ के, अपना सब कुछ छोड़ के। अरे क्यों, क्या कर दिया उसने, ऐसा क्या है उसमें? तुम जो अपने अपना घर वालों को छोड़ रहे हो, वो हिंदुओं को हिंदू नहीं समझ रही है, वो मुस्लिमों को मुस्लिम नहीं समझ रही है। हमारे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों जाति है, और सबका हिंदुस्तान बराबर है। तो 2 टके की औरत भगोड़ी भागी हुई अपने हस्बैंड को छोड़ के, अपने हस्बैंड के बच्चों को किडनैप करके तो यहाँ पे रह रही है, तो चुपचाप एक कोने में पड़ी रहे। तेरे को क्या प्रॉब्लम है? तेरे को मुस्लिम कम्युनिटी से, जिस मुस्लिम कम्युनिटी में तू आज तक पली बड़ी है, इतने साल तक तूने वहां का अन्न खाया है, वहां की माटी में तो पली हुई है, आज तेरे को वो लोग नहीं दिखाई दे रहे, जबकि तेरी शादी ये मान्य भी नहीं है।
हमारे साथ में जो रॉयल रखेल है, रखेल है वो रखेल बिल्कुल हमारे साथ में जो हमारे दोनों भाई रखेल है, हमें लॉयल है, उनसे एक एक करके मैं जरूर क्वेश्चन करना चाहूंगी। सर देखिए अभी उसने कोई आपको पता है जब 18 साल से पहले तो उन बच्चों का धर्म बिल्कुल परिवर्तन नहीं हो सकता है, ये तो आप लोगों को भी बहुत अच्छी तरह पता है, हमें भी। बहुत सारे उसके जो चाहने वाले हैं वो कहते हैं कि बच्चे मुस्लिम हो गए मुस्लिम हो गए। चलो हमने एक मिनट के लिए मान लिया मुस्लिम हो गए तो वो सॉरी हिंदू हो गए, तो भाई वो हिंदू लोगों को कहाँ पे, वो हिंदू लोगों को भी इज्जत दे रही है, उसने तो हिंदू लोगों की भी इज्जत उड़ा के रखी हुई है। हमारे मुस्लिम कम्युनिटी, हमारी हिंदू कम्युनिटी, हमारे तो वो किसी को भी इज्जत नहीं दे रही है। सेकंड, मैं आप लोगों को बिल्कुल मैं प्रमाण के साथ में बता रही हूँ, आज एक बंदा सोशल मीडिया पे उसके उससे बस्ता फिर रहा है, इतनी बेशरम और बेगैरत औरत है, हमारा हिंदू भाई है धर्मेंद्र उनका नाम है, वो 20,000 रुपए दे चुका है उसको, और अब वो उसको बोल रहा है कि वो उससे मिलने गया दिवाली के टाइम पे, तो उसके हाव भाव देख के सर वो किसी भी कीमत में अभी वो हिंदू नहीं बनी है, वो पाकिस्तानी ही है, वो मुस्लिम ही है, और ना कभी जिंदगी में हिंदू बन सकती है, क्योंकि हिंदू बनने के लिए या किसी भी धर्म को ग्रहण करने के लिए अगर हम किसी भी धर्म को ग्रहण करते हैं तो उसकी प्रोसेसिंग आप लोगों को भी पता है, जो मुझे भी पता है, जो लॉजिकली जो होना चाहिए कि डीएम को एक लेटर लिखा जाता है, लेटर लिखने के बाद 6 महीने तक वो लेटर, 6 महीने के से पहले वो लेटर लिखा जाता है, 6 महीने के बाद उसकी जब शिनाख्त हो जाए कि भाई किस लिए ये अपना धर्म वो चेंज कर रहे हैं, क्या इसके पीछे क्या बात है, क्या कोई क्रिमिनल वो तो नहीं है, इनका बैकग्राउंड तो नहीं है, क्या ये कुछ आगे जाके कुछ गलत काम तो नहीं करेंगे, ये सारा जब पता चल जाता है उसके बाद एक एडल्ट व्यक्ति तब जाके अपना धर्म वो कर सकता है, वो भी अखबार में आता है, उसके बाद फिर ऐलान किया जाता है कि इस बंदे ने धर्म ग्रहण कर दिया है, फिर उसको सर्टिफिकेट मिलता है, वो भी अटेस्टेड मिलता है। तो इस बेशरम औरत को इतना पता नहीं कि वहां आके उस परिवार को भी जूते पड़ेंगे जिस परिवार ने उसको रखा है, और इसको भी जूते पड़ेंगे वहां आके जो ये टारगेट कर रही है मुस्लिम कम्युनिटी को, हिंदू कम्युनिटी को, हिंदू बहन भाई जो ये चाहते हैं कि यहाँ पे नहीं रहेगी, उनको कहती है कि दोगले हिंदू। तो मेरे जैसे मैं अगर यहाँ पे आके बोल सकती हूँ, अगर मेरे जैसे इंसान को दोगले हिंदू बोलेगी तो हम जैसे लोग इसको रखेंगे यहाँ पे? इतनी बेशरम औरत है, दोगले हिंदू तक बोल दिया है इसने, कहाँ गए वो हिंदू, कहाँ गए वो मुस्लिम। मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा मुस्लिम भाई नहीं है, बहन नहीं, जो इसको सपोर्ट करता होगा, कोई भी नहीं है। बस जो 2-4 हिंदू है जिनको आग लगी पड़ी है वही कर रहे हैं। धर्मेंद्र जैसे लोग पछता रहे हैं, धर्मेंद्र जैसे लोग पछता रहे हैं कि दीदी मेरे पैसे वापस दिला दो, अपनी ऐसी तैसी करवा लो, पहले तो तुमने अपनी बीवी नहीं देखी, अपना भाई नहीं देखा, अपनी माँ नहीं देखी, अपने बच्चे नहीं देखे, पहले तो तुम उसके पीछे दीवाने हुए जा रहे थे, जब अभी तुमको ये पता चला है कि भैया वो बेगैरत औरत अभी भी वो पाकिस्तानी ही है और वो हिंदू नहीं बनी है, अब तुम पैसे वापस ले रहे हो, अब तो तुम्हें तुम्हारे कीड़े उछल रहे थे। तो मैं बिल्कुल कंडेम करती हूँ जिस तरह से उसने आप लोगों की कम्युनिटी को गलत बोला। सॉरी सर बहुत ज्यादा बोल गई, मैं आप लोगों से सुनना चाहूंगी कि आप लोगों के क्या हुए। जी सर, जी मेरे रिपोर्टर है, मैं सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अदा करूंगा दोनों भाइयों का, रोशन भाई का भी, क्योंकि मुझे पता है कि इनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता और इनके पास इतने केसेस हैं और ये इतने बिजी होते हैं, उसके बावजूद भी इनकी ये मेरे साथ मोहब्बत है कि ये आते हैं जब भी मैं इन भाई को बुलाता हूँ। और उसके बाद फयाज भाई द ग्रेट, सब लोग इनको बहुत इस तरह जानते हैं, तो ये माशाल्लाह दोनों पाकिस्तान के बड़े काबिल वकील हैं। मैं रोशन अली अजीम सर से पूछना चाहूंगा कि नेशनल और इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जब आप किसी के मजहब को टारगेट करते हैं या हेट स्पीच करते हैं, वो आपका जो इंटरनेशनल लॉ है या यूएनएस के मुताबिक, इसके ऊपर सर क्या लॉ बनता है, ये जरा सर आप बताइए। केस भाई थैंक यू सो मच, और मेरी बहनों का भी थैंक यू सो मच, फयाज का भी बड़ी मेहरबानी, और डेफिनेटली मेरा दिल करता है आप तमाम लोगों के साथ जुड़ने को, लेकिन मसरूफियात कुछ ऐसी है, जिम्मेदारियां हैं लोगों की, तो इसीलिए टाइम बड़ा कम मिलता है। कुछ स्पीचेस, क्योंकि मैं काफी टाइम से सोशल साइट से बड़ा दूर हूँ, जो मेरा चैनल है वो भी कोई मेरे कुछ लड़के हैं और लड़कियां हैं, टीम है मेरी वो रन करती है, मैं
बड़ा दूर हूँ यूट्यूब से, लेकिन मुझे कुछ वीडियोस कहीं से भेजी गई, उसमें एक खातून है जो पाकिस्तान के खिलाफ और कुछ हिंदुस्तान के लोगों के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ कुछ तोहीन आमेज जो अल्फाज वो अदा कर रही हैं, वो सुन के बड़ा ताजुब हुआ, दुख भी हुआ कि हिंदुस्तान के जितने मोहब्बती लोग हैं, हिंदुस्तान में बसने वाले जितने पढ़े लिखे मजहब लोग हैं, उनमें से कोई एक खातून है, हम खवातीन की बड़ी इज्जत करते हैं क्योंकि इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो कन्वेंशन है यूनाइटेड नेशन का, उसके तहत हम ये पाबंद हैं बीइंग अ पाकिस्तानी या जितने भी यूनाइटेड नेशन के अंदर जितनी भी कंट्रीज आती हैं उनके इंडिविजुअल, तो हम वैसे भी खवातीन की लाफ मोरालिटी के हिसाब से हम बड़ी इज्जत करते हैं। तो ये खातून है तो बड़े अच्छे तरीके से अल्फाज भी अदा करने पड़ेंगे उस खातून के लिए, तो दुख तो बड़ा हुआ सुनते हुए क्योंकि उस खातून को जो हिंदुस्तान का संविधान है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका भी इल्म नहीं है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो आर्टिकल 19 सब आर्टिकल 2 है वो ये कहता है कि आपको इजहार की आज़ादी तो है, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है, लेकिन आप फ्रीडम ऑफ स्पीच में आप किसी का भी दिल दुखा नहीं सकते, आप कोई भी ऐसे अल्फाज अदा नहीं कर सकते हैं जो किसी के मजहब के खिलाफ हो, किसी की जात के खिलाफ हो या कोई रेशनल डिस्क्रिमिनेशन के वो फेवर में जाता हो, तो आप ऐसे अल्फाज अदा नहीं कर सकते। एक तरफ फ्रीडम देता है हिंदुस्तान का संविधान आर्टिकल 19 सब आर्टिकल 2 के तहत, तो दूसरी तरफ वो मना भी करता है कि आपको ख्याल रखना है, जज्बात का ख्याल रखना है, वो जज्बात इंसानी हो या मजहबों के हो या दूसरे कौमें हैं उनके हवाले से। तो एक तो ये मेरी जो बहन है, खातून है, इसने हिंदुस्तान के संविधान का भी जो है वो वायलेशन की है, उसको पढ़ना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि आप जिस मुल्क में रहते हैं तो उसके संविधान का आपको ख्याल करना चाहिए। जैसे कि हम मुसलमान हैं तो हमें कुरान पाक जो कुरान करीम अल्लाह पाक की कलाम है तो उस पर पाबंद रहना है, उसको वायलेट नहीं करना है, उसके अहकाम जो है हमने किसी भी तरह वायलेट नहीं करने। इसी तरह अगर जो सनातन धर्म है उसमें गीता है, रामायण है या जितने वेद हैं तो उनको भी उनके तहत पाबंद रहना है। जैसे क्रिश्चियन है तो उनको जो है अपने मजहब किताबें जितने भी हैं उनके तहत जो है इंजील है, बाइबल है, उसके तहत पाबंद रहना है। इसी तरह जो हमारा लॉ ऑफ लैंड है, जितनी भी अकवाम है, कौमें हैं, ममालिक हैं, उन ममालिक में भी एक पाक किताब पाया जाता है जो लोगों को जोड़े रखता है, उस पाक किताब को संविधान कहा जाता है। जैसे मजाहिब जो हैं, जितने मजाहिब हैं वो आपको वे ऑफ लाइफ देते हैं कि इस तरह आपको यू हैव टू पास योर लाइफ साइमल्टेनियसली। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो संविधान होता है, वो आप वे ऑफ लाइफ बताता है सिटीजन की। तो ये खातून है, इसको ये पता होना चाहिए कि इंडिया का संविधान की आप जो है वायलेशन कर रही है। दूसरा केस भाई ने सवाल पूछा कि इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है। इंटरनेशनल लॉ जो है वो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है उसका आर्टिकल 19 है, वो भी वही बात करता है कि आपको एक तरफ इजहार की आजादी तो है, आप कर सकते हैं, और दूसरी तरफ आप किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी स्टेट का आप कोई मजाक नहीं उड़ा सकते, किसी का दिल नहीं दुखा सकते, और उसके बाद हिंदुस्तान का एक अपना जो है जनरल लॉ के बाद स्पेशल लॉ भी उन्होंने बनाया जिसको कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। यहां से 24 साल पहले हिंदुस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बनाया गया जिसका जो सेक्शन है 67 और 69A, ये तमाम जो सिटीजन ऑफ इंडिया है उनको रोकता है हेट स्पीच से कि आप ये इस बात पे पाबंद हैं कि आप हेट स्पीच नहीं कर सकते, तो चाहे हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हों या हिंदुस्तान के बाहर जितने भी लोग, आप हेट स्पीच नहीं कर सकते हैं, किसी बुनियाद पर नहीं कर सकते। अगर आपने ये हेट स्पीच की तो आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का जो सेक्शन 67 है और 69 सब सेक्शन ए है उसकी आपने वायलेशन की, उसके तहत उस पर FIR कर सकती है, उस पर जो फौजदारी कानून जो है, क्रिमिनल एक्ट, क्रिमिनल चार्जेस भी लग सकती है, जो रियासत होगी, स्टेट होगी, वो अपने सिटीजन पर वो कार्रवाई करेगी। उसके अलावा जो इंडियन पिनल कोड है उसके भी सेवरल सेक्शन है, वो भी मैं जरूर डिस्कस करूंगा, जिसमें 153A है, 295 है, 499 है और सेक्शन 500 है, ये भी मना करते हैं। आप किसी का दिल नहीं दुखा सकते, आप किसी के मजहब की तोहीन नहीं कर सकते, आप किसी के इंडिविजुअल की जात की तोहीन नहीं कर सकते।
आप किसी रियासत के मुल्क के खिलाफ बात नहीं कर सकते, अगर आप करते हैं तो ये आप संगीन जुर्म कर रहे हैं, आप रियासत की बदनामी कर रहे हैं। इसमें रियासत क्या होती है, जो स्टेट होती है वो इंडिविजुअल अपने इंडिविजुअल को रोकती है कि आप ये नहीं कर सकते, उसको सजा देती है। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे कि एक घर में रहने वाला एक शख्स होता है, उसके बच्चे हैं चार, वो चार बच्चों को वो पाबंद करता है वो शख्स कि आप मोहल्ले के किसी भी फर्द को आप तकलीफ नहीं पहुंचा सकते, अगर तकलीफ पहुंचाई तो वो घर का जो फर्द होगा वो अपने बच्चों को सजा देगा, उसको चांटा मारेगा, उसको थोड़ा तरबियत करेगा कि आप ये काम कर रहे हैं अच्छा नहीं है, अगर आपने दोबारा किया आपको सजा मिलेगी। इसी तरह जो रियासत होती है वो अपने रहने वाले जो सिटीजन्स होते हैं उनको ये गाइडलाइन देती है कि आपको ये काम नहीं करने हैं। पड़ोसी जो ममालिक हैं या दीगर जो अकवाम हैं, जो ममालिक हैं उसमें रहने वाले जो लोग हैं उनके ना आप जो अंदरूनी इंटरनल मामला थे उन पर डिस्कस नहीं कर सकते, उस मुल्क में सियासी जो मामला थे उस पर डिस्कस नहीं कर सकते, उस मुल्क के जो मजहबी मामला थे आप उस पर डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि आप सिर्फ बाउंड हैं अपने मुल्क की सरहदों के अंदर। तो ये जो खातून है इसकी ये जो स्पीच है ये सुन के बड़ा दुख भी हुआ, हैरत भी हुई कि एक बज़ाहिर पढ़ी लिखी खातून लगने वाली एक औरत है जिसके अल्फाज से ये साफ पता चल रहा है कि वो पढ़ी लिखी है, लेकिन दूसरी तरफ वो ऐसा लग रहा है कि वो तो पढ़ी तो है लेकिन उसमें उसकी जो तालीमात है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि उसकी कुछ अब्यूजिंग जो है, जो अब्यूज लैंग्वेज वो इस्तेमाल कर रही है, वो अब्यूज लैंग्वेज वो आई वॉज सर एक अपना रोशन भाई आपको आवाज आ रही है मेरी, ये वो उसकी बात कर रहे हैं, वो जो मेरे मुतल्लिक मेरी वालदा के मुतल्लिक बोला गया था, रोशन भाई उस औरत के मुतल्लिक बात कर रहे हैं। ओके ओके सीमा के बारे में बोलिए सर, सीमा बोल रही है ये जी, इस्लाम जी, के जी, बारे में सीमा बोल रही, नेट का इशू, उनके नेट का इशू है, दोबारा आएंगे अभी जो अभी तीनों भी इस मुद्दे के ऊपर भी मैंने डिस्कस की थी रोशन अली अजीम साहब से, तो वो हमारी जो भी होगा वो एक अलग मसला है, लेकिन वो अब वो दोबारा लाइव आते हैं तो मैं करता हूँ जी। व्यास भाई क्या कहेंगे आप, अब इसके सीमा हैदर पे हम किस तरह सर इंटरनेशनली कानून के मुताबिक इसके ऊपर कुछ कर सकते हैं, अभी तो अहमद रिजवी से भी शाम को मेरी बात हुई है, शाहिदा बहन ने भी कह दिया कि इसको हम जो है इसके ऊपर एक्शन लेंगे, आप क्या कहते हैं सर? देखें कैस भाई, ये जो इंटरनेशनली हम कैसे एक्शन ले सकते हैं इसका, ये सवाल आप रोशन अजीम साहब से करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से जवाब दे पाएंगे। उसकी वजह ये है कि उनकी जो पीएचडी की डिग्री है ना वो है ही इंटरनेशनल लॉ में है, वो बड़े अच्छे तरीके से हमें इस बारे में एक्सप्लेन करेंगे। बाकी जो वो हेट स्पीच के हवाले से बात कर रहे थे उसमें मैं दो लफ्ज कहूंगा कि ये पाकिस्तान में भी कानून इसी तरह से है जैसे भारत में है, जैसे उन्होंने बताया पाकिस्तान में इस कानून को जो है वो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 के जरिए से उसका नाम से जाना जाता है, और उसमें भी इसी तरह से सेक्शन मौजूद हैं हेट स्पीच के हवाले से, तो ये पाकिस्तान में भी इसी तरह से एक क्रिमिनल ऑफेंस है अगर कोई सोशल मीडिया के जरिए किसी के जज्बात को मजरूह करता है या उसको इस तरह से करता है, और अगर किसी औरत की मॉडेस्टी को हिट करता है या किसी एक सेक्ट को करता है तो वो भी एक तरह से साइबर टेररिज्म और हेट स्पीच और इस तरह के ऑफेंसेस, ये पाकिस्तान में भी कानून मौजूद है। बाकी रोशन भाई एक्सप्लेन करते हैं जी। माफ कीजिएगा नेटवर्क की वजह से मुझे ये जाना पड़ा, तो मैं किस तरह आपकी बात वहां से कंटिन्यू करूंगा। जी जी सर, 2 साल हो गए हैं सीमा हैदर को, 2 साल ठीक है, और वो शुरू से ही वो मुझे लग रहा है कि उसको रखा ही इसी मकसद के लिए गया है कि उसने मुसलमानों को टारगेट करना है और पाकिस्तान को बुरा भला कहना है। वो हर 6 माह के बाद आती है और कोई ना कोई ऐसा नाउज बिल्ला, उसने खाना काबा की भी तोहिन कर दी है, नाउज बिल्ला मुसलमान क्या कुछ कहती है। हम लोगों ने पहले अपनी जुबानी खामोश इसलिए रखी कि वहां पर किसी किस्म की कोई गुलाम हैदर के मसले केस को कोई मसला ना हो इस हवाले से, लेकिन ये परसों फिर आई है, परसों इसने फिर इंटरव्यू दिया है और फिर उसके अंदर उसी तरह मुसलमानों को टारगेट किया और पाकिस्तान को टारगेट किया। अब मसला ये कहने का है कि 2 साल तो वैसे ही बीत गए,
14-15 केसेस इसके ऊपर लगे हुए हैं, अभी तक कुछ पता नहीं है, चार्जशीट का भी कुछ पता नहीं है। हमें इस वक्त किसी की कोई परवाह नहीं है, हमें ये परवाह है कि इस औरत का मुंह बंद कराया जाए। और उसके लिए हमें बताएं, आप बताएं, चाहे वो नेशनल लेवल पे चाहे इंटरनेशनल लेवल पे, इसके ऊपर क्या एक्शन हम लोग ले सकते हैं और इसका मुंह बंद हो, मेन मसला ये है इसके ऊपर। देखिए, मैंने ये काफी स्पीच इनकी सुनी है, वो बिल्कुल हार्ड ब्रेकिंग स्पीच है, वो नाकाबले बर्दाश्त है। ये ताल्लुकात खराब कराना चाहती हैं, ये किसी की एजेंट औरत लगती है, ये चाहती है कि हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदू फसादात हों, ये शायद चाहती है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब हों, या ये चाहती हैं कि दोनों अतराफ जो मुसलमान और हिंदू हैं उनके जितनी प्यार अमन का पैगाम देते रहते हैं उनके मामला आपस में खराब हो, ये किसी की एजेंट जरूर लगती है। इस हवाले से मैंने ये फैसला किया है कि इसके अगेंस्ट जो है मैं जाके कोई लीगल एक्शन लूंगा, क्योंकि वो सरहद के उस पार रहती है, मैं सरहद के इस पार रहता हूँ। तो इस हवाले से मैं जो इंडियन एम्बेसी है जो पाकिस्तान में मौजूद है उनको मैं खतूत लिखता हूँ कि ये जो इंडियन खातून है जो सरहद के उस तरफ बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ और मजहब इस्लाम के खिलाफ, ये जो खातून है, नहीं है सर, पाकिस्तानी है वो सर, एक मिनट, इंडियन खातून है बोल के मत बोलो आप, पाकिस्तानी है वो। नहीं, मुझे ये इल्म नहीं है कि पाकिस्तान की है या हिंदुस्तान की, कहीं की भी है, लेकिन वो दुश्मन जरूर है किसी की। नहीं सर, वो जरूर सर, सीमा है, सीमा है, डर का है सर। नहीं, मैं दो दो चीजें मैं कह रहा हूँ, दो चीजें, दो खवातीन हैं, एक खवातीन मेरे खातून का कह रहा हूँ जिसने हेट स्पीच सुनी है, मैं उस खातून का कह रहा हूँ जिसकी हेट स्पीच मैंने सुनी है, उसमें उस खातून ने केस अली मीर साहब की वालदा के बारे में भी गलत अल्फाज के, मैं उसके हवाले से कह रहा हूँ। सीमा हैदर तो पाकिस्तानी है लेकिन इंडिया में रहती है, मैं उस खातून के बारे में लीगल प्रोसीडिंग करने का कह रहा हूँ जिसकी दो स्पीच मैंने सुनी है, जिसने अब्यूजिंग किए केस अली मीर की वालदा के खिलाफ भी। मैं इंडियन एम्बेसी को लिखता हूँ, साइमल्टेनियसली मैं खतो खिताबत करता हूँ हिंदुस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, हिंदुस्तान की जो होम मिनिस्ट्री है, और हिंदुस्तान की जो प्रोविंशियल होम मिनिस्ट्री है, और हिंदुस्तान की जहाँ वो औरत खातून रहती है उसकी जो जो पुलिस डिपार्टमेंट होता है उसको भी मैं खतो खिताबत लिखता हूँ, ठीक है। बाकी सीमा हैदर जो है उसका जो मोटो यही रहा है कि इस्लाम मुखालिफ पाकिस्तान मुखालिफ, क्योंकि उसका डिफेंस यही है, वो इस नफ्सियात को जान चुकी है कि मैं जितना पाकिस्तान मुखालिफ बोलूंगी, मैं जितना इस्लाम मुखालिफ बोलूंगी, इंडिया में मेरी सपोर्ट मिलेगी और जो इंडिया की कुछ मजहबी तंजीमें हैं वो मेरी सपोर्ट करेंगी। ये सोचना सीमा का बिल्कुल गलत है, इंडिया के लोग इतने बेवकूफ नहीं है, इंडिया की मजहबी तंजीमें इतनी बेवकूफ नहीं है कि सीमा के इस स्टेटमेंट में पाकिस्तान के खिलाफ इस्लाम के खिलाफ बोलने पर वो सीमा को हार पहनाएंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हाँ, सीमा की जो लोकल लोग हैं उन्होंने जो मेहमान नवाजी जरूर की, हार भी पहनाए, उनकी दावतें भी की, ये तो हमारा जो तहजीब होती है हम तो करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सीमा हैदर का जो गिल्ट है उसको भी सामने नजर जरूर रखा जाए। तो ये है, सीमा हैदर ये जान चुकी है कि मैं जितना पाकिस्तान के खिलाफ बोलूंगी और इस्लाम के खिलाफ बोलूंगी तो लोगों के दिलों में मैं घर करूंगी और मेरा ये डिफेंस है इसी वजह से। अब दूसरी तरफ हिंदुस्तान की जो स्टेट है, रियासत है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल 19 सब आर्टिकल 2 है या यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ जो ह्यूमन राइट्स है UDHR, उसका जो आर्टिकल जो 19 है, उसके अलावा जो इंडियन का जो पीनल इंडियन पीनल कोड, इसका सेक्शन 499 है, सेक्शन 500 है, सेक्शन 457 है, उसके तहत भी रियासत को इटसेल्फ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान की सरहदों के अंदर वायलेट हो रहा है हिंदुस्तान का कानून, और हिंदुस्तान का कानून तोड़ने वाला कोई और है, हिंदुस्तानी नहीं है जिस पर कोई रहम किया जाए। अगर हिंदुस्तानी कानून तोड़ता है तो बींग इंडियन सिटीजन हिंदुस्तान की रियासत को थोड़ा हल्का हाथ भी रखना चाहिए ये, क्योंकि वो रियासत माँ की तरह होती है, माफ भी कर सकती है, लेकिन हिंदुस्तान की सरहद में रहते हुए हिंदुस्तान का कानून तोड़े जा रहे हैं, हिंदुस्तान का संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है, वो कानून तोड़ने वाला वो सीमा हैदर है, वो पाकिस्तानी है जिसको हम डिसऑन करते हैं। सीमा हैदर को हम बींग पाकिस्तानी बर्मला कहते हैं, उसको जेल में डालें, पाकिस्तान को इसकी जरूरत नहीं है,
ये पाकिस्तान के लिए भी खतरा है, ये हिंदुस्तान के लिए भी खतरा है, ये नफरतें फैला रही है, ये उसको ही फॉलो कर रही है जो 1947 के बाद जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान को जो हमसे लड़ाया गया, नफरतें फैलाई गई, ये उसी एजेंडा पे काम कर रही है। इसकी उसको देखा जाए कि ये किस एजेंडा पे काम करती है। देखिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान 1947 के बाद अगर आपस में मोहब्बत का रिश्ता कायम करते तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों ममालिक जो है ये सुपर पावर बनते। जैसे इलाहाक है, जैसे इसराइल और अमेरिका का इलाहाक है, जैसे अमेरिका और यूक्रेन का इलाहाक है, जैसे पाकिस्तान और ईरान का इलाहाक है, इसी तरह हिंदुस्तान और अमेरिका का इलाहाक है साइमल्टेनियसली। उसी तरह अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बांग्लादेश, वैसे भी पाकिस्तान ही था, अगर इन दोनों ममालिक का इलाहाक होता तो पाकिस्तान दुनिया पर राज करता, ताकतवर मुल्क, जहीन लोग दुनिया पर राज करते। दुनिया ये नहीं चाहती थी, अंग्रेज ये नहीं चाहते थे, अमेरिकन रशियन ये नहीं चाहते थे कि ये लोग आ गए हैं, इनमें बंटवारा हो और ये लोग जो है इनमें डिवीजन हो, आपस में लड़ते रहें। ये जब आपस में लड़ते रहेंगे तो ये आपस जितनी भी मुल्क की कमाई दोनों की होंगी डिफेंस पे खर्चा करता रहे करते रहेंगे, ये भूख मरेंगे, इनकी तालीम नहीं होगी, इनकी सेहत नहीं होगी, आपस में लड़ते रहेंगे, दुनिया में बाहर नहीं निकलेंगे, वही हो रहा है जो चाह रहे हैं। तो ये सीमा हैदर उस 1947 के बाद जो हथकंडे थे ये उनकी कड़ी है। मैं बार बार ये कह रहा हूं, सीमा ये प्लांटेड है उनकी, हिंदुस्तान में भेजी गई पाकिस्तान से कि नफरतें फैलाओ, लोगों में नफरतें फैलाओ, मजहबी नफरतें फैलाओ, ममालिक की नफरतें फैलाओ। देखिए, हम भी तो पाकिस्तानी हैं, केस अली मीर साहब है, मैं हूँ, फयाज रामे, हमारे मुंह से तो आपने कभी भी हिंदुस्तान के खिलाफ कोई बात नहीं सुनी। हम तो मोहब्बत का पैगाम देते हैं, प्यार का पैगाम देते हैं। ये प्लांटेड पर्सन है, इसको हिंदुस्तान की रियासत को ये चाहिए कि इसको अंदर करें, पुराने केसेस को छोड़े। ये जो हेट स्पीच करती है, हिंदुस्तान का अपना कानून है जो मैंने बताया है। हम शरद के उस तरफ हैं, फिर भी हम हिंदुस्तान के कानून बताते हैं, हम कोट करते हैं सेक्शन, सब सेक्शन, आर्टिकल, सब आर्टिकल हम बताते हैं। ये क्या हिंदुस्तानी स्टेट को, हिंदुस्तानी रियासत को, हिंदुस्तानी थिंक टैंक को पता नहीं होगा? जबकि हमें पता है, जरूर पता है, लेकिन उनको इस पर काम करना चाहिए, इस पर एक्शन लेना चाहिए। सीमा हैदर को जरूर जो डिफरेंट चार्जेज हैं उस पर इन्वॉल्व सीमा को जरूर करना चाहिए, उसको बिहाइंड द बार जेल में जरूर जाना चाहिए। दीन भाई, मेरा जो क्वेश्चन है ये है कि ये खाली ये नहीं, उसने तो कितने ही लात ओढ़े हैं, उसने तो कितने ही लात ओढ़े हैं, वो गैर कानूनी तौर पे दाखिल भी हुई, उसने नाजायज शादी भी की, संबंध भी बनाए, उसने धर्म भी अपना लिया, सब कुछ गैर कानूनी किया, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया अभी तक। अब मसला ये है कि अगर उस पर 10 साल और एक्शन नहीं लिया जाता तो क्या हम पाकिस्तान वाले बैठ के उसकी गानियां सुनेंगे 10 साल, या पूरे दुनिया में बसने वाले मुसलमान उसके मुंह से गालियां सुनेंगे? कहने का यह मकसद, इस काम को हमने रोकना है, वो हम चाहे नेशनल तरीके से चाहे इंटरनेशनल तरीके से, हम इसको कैसे रोक सकते हैं? मेरा जो सवाल है वो ये है। केस अली मीर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसने बहुत सारे कानून तोड़े। अब यहाँ पर जो फेल्यूर है वो रियासत का फेल्यूअर है, वो इंडियन जो स्टेट है उसमें जो सिस्टम है उसका फेल्यूअर है, वो एक्शन नहीं ले रही है। देखिए, सीमा ने बहुत सारे कानून तोड़े, फॉरेन एक्ट तोड़ा सीमा ने, इमिग्रेशन इंडिया, इंडियन इमिग्रेशन वायलेट किया, इंडियन पासपोर्ट वायलेशन वायलेट किया, और सबसे बड़े में बड़ा जो इंडिया का सीमा ने जो कानून तोड़ा है ना, वो क्वाइट सरप्राइजिंग है, वो तो नाकाबिले बर्दाश्त है, वो नाकाबिले माफी है, जिस पर काफी लोग डिस्कस नहीं करते। वो कानून, उसकी वजह से लाखों करोड़ों लोग हिंदुस्तान और नेपाल के वो परेशान हो चुके हैं, जो मजहबी पिलग्रिम्स हैं वो परेशान हो चुके हैं। वो है कानून इंडियन नेपाल पीस ट्रीटी 1952 की, इंडिया नेपाल की पीस ट्रीटी। उस पीस ट्रीटी में ये किया गया जी, उनके नेट का हो गया मसला मेरे ख्याल से, आ जाएंगे दुकान, वो ज्वाइन कर लेंगे। आप शायदा बहन, आपके लिए जान भी हाजिर है भाई की, लेकिन एक मुसलमान भाई होने के नाते, एक मुसलमान भाई होने के नाते आपसे गुजारिश है कि इस मसले को आप नहीं होने देना।
नहीं 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 भाई, जब तक सरिता नहीं बोलेंगे मेरे को, मैडम आप बस करो ये मसला बोले, जब तक बोलते रहूंगी मैं इसके बारे में, क्योंकि सनातन धर्म का मजाक बना रही है, हमारे धर्म का भी मजाक, ये प्यार मोहब्बत नहीं है, धर्मों का मजाक है ये, ये सनातन धर्म की भी बहुत ही इन्हें अपमान करी और मुसलमान धर्म का भी अपमान कर रही, तो हम इसको छोड़ने वाले नहीं है अब, ये हराम खोर को, इसको तो अब जो मौका है बोलने का है। भाई बोलिए जितने जी अपना शाहिदा बहन, मैं यही आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बैठकर हम दो कुछ कर सके, चाहे वो बाहर के थ्रू हो, जैसे भी हो, लेकिन आप वहां मौजूद हैं, आप हर चीज को समझती हैं, आपकी अपनी कम्युनिटी भी होगी वहां पे, आपकी पार्लियामेंट में इतने लोग बैठे हुए हैं, इतना इस्लाम के आप सब चीज समझती हैं, जो जो वो मतलब कंट्रोल किया हुआ जो भी है, तो उन तक ये लाजमी चीजें पहुंचाएं, उन तक बताएं कि इसका तो मुंह बंद नहीं हो रहा, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये देखा देखे गुलाम हैदर भी बाद में, उसके मसले मसाइल बाद में, सबसे पहले हमारा दीन, हमारा रिलीजन, हमारा मजहब, बिल्कुल, और अगर इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता ये तो फिर आ जाएगी, इसको तो 20-25 दिन के बाद प्लांट किया जाता है और कहते हैं जाओ बैठो और ऐसे किताबी करो, मुसलमानों की जो मर्जी बोलते रहो, जो मर्जी बोलते रहो पाकिस्तान के खिलाफ, यार हम ऐसे बैठ के खामोशी से बस इसका तमाशा देखेंगे, मतलब हम इसका कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ इसलिए कि उस मुल्क में बैठी है, ये इधर बैठी हो तो उसको बताएं हम, इसके पास एडवांटेज सबसे बड़ा ये है ना, वहां बैठी हुई है, यहाँ आए ना, यहाँ आके बात करें पाकिस्तान के लिए, यहाँ आके बात करें इस्लाम के लिए, तो बैठे हुए भाई फिर खिदमत करने के लिए, तो ये काम हमने रोकना है, हालत में रोकना है, इस्लाम पर किसी के भी दीन पर, चाहे वो सनातन धर्म है, चाहे वो मुसलमानों का दीन है, किसी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है, कैसे कोई पाकिस्तानी यहाँ बैठ के एक आवाज लगाए ना, बोले सनातन धर्म के लिए, मैं वादा करता हूँ इस पूरी दुनिया के सामने बैठ के मैं उसका इलाज करूंगा, कोई नहीं बोल सकते, मगर ये कुत्ते के मुंह की बोल रही है, ये सनातन धर्म का अपमान कर रही है और इस्लाम धर्म का भी अपमान कर रही है, ये एक ही है। मैं लास्ट बात कहना चाहता हूँ, लास्ट बात कहकर फिर तमाम लोगों से ज्यादा चाहूंगा, ये जो मैं पीस की बात कर रहा था, इंडियन नेपाल जो पीस ट्रीटी 1952 की, उसमें क्योंकि अलग अलग देश हैं, अलग अलग मुल्क है, नेपाल और हिंदुस्तान, जी इनका नेट इश्यू हो रहा है भाई का, आप मुझे सुन सकते हैं केस भाई, नेटवर्क का मसला है, कुछ लोग जो है नेपाल में रहते थे, कुछ हिंदुस्तान में रहते थे, तो इंडियन जो ये पीस ट्रीटी जो है दोनों ममालिक के दरमियान की गई, इसमें फिर वीजा का सिस्टम खत्म किया गया, और थोड़ी जो नेपाल के लोग हिंदुस्तान आते थे, हिंदुस्तान के लोग नेपाल इजीली जाते थे, तो उसके बाद इस सीमा नेपाल ने, सीमा जो है ये हैदर ने उस नेपाल की जो पीस ट्रीटी थी उसका फायदा उठाते हुए वो वापस आई, अब वो तमाम लोग जो हिंदुस्तान से नेपाल जाते थे, नेपाल से हिंदुस्तान आते थे, वो मसले का शिकार बन चुके हैं, वो बॉर्डर पर उनका उनके लिए बड़े मसले मसाए हैं, वो साइड में जितने भी वो गांव देहात में जाते थे लोग, वो जो मजहबी रसूमात अदा करने के लिए, क्योंकि पशुपतिनाथ जो मंदिर है नेपाल में वो हिंदू सनातन धर्म में बड़ी मान्यता रखता है, जो हिंदुस्तानी लोग पशुपतिनाथ मंदिर जाते थे वो अब जा नहीं सकते, बड़े मसले मसाइल हो चुके हैं, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है हिंदुस्तान की नेपाल की तरफ भी बड़े मसले मसाइल, इन तमाम मसले मसाइल का जिम्मेदार सीमा हैदर है, तो इसने सीमा ने बहुत सारे कानून तोड़े। मेरी बहन, मैं तमाम लोगों से बस इजाजत चाहूंगा, केस अली मीर साहब आपसे भी इजाजत चाहूंगा, मेरी एक और मीटिंग है, आप देख रहे हैं कि मैं फिर अभी भी ड्रेस में हूँ सुबह से, इंशाल्लाह आपसे जरूर मुलाकात होगी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।